दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में, और इसमें हम दो बेहद ही इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और लिटरली आप इसे सुनकर भारत की कूटनीति के फैन हो जाएंगे। मॉर्निंग वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर पूरी फॉर्म में है और इसराइल, यूएई, सऊदी, जर्मनी और अब फ्रांस में छाए हुए हैं। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है वो श्रीलंका से है, जहां भारत की एक बड़ी जीत हुई है, वहीं चीन की श्रीलंका से छुट्टी हो गई है। इसके अलावा भारत के यूसीएवी को लेकर जो ये प्रोजेक्ट है, इस पर रशियन एक्सपर्ट्स ने कुछ बड़े खुलासे किए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इसलिए बिना वक्त गवाए एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। साथ ही दो दिन पहले मैंने एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी अपना नया बनाया है, आप मुझे वहां पर भी फॉलो और मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन पहले बात होगी श्रीलंका की। दोस्तों इस समय श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, महंगाई सातवें आसमान पर है और फॉरेक्स रिजर्व खत्म होने के कगार पर है। ऐसे में भारत ने कोलंबो में राजनयिक गतिविधियां तेज कर दी है। भारत लगातार पिछले कुछ महीनों से श्रीलंका में बेहद सक्रिय हो गया है और तीन रणनीति के तहत कार्य कर रहा है। इसमें चीन की परेशानी बढ़ गई है, श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर भारत दौरे पर भी आ रहे हैं। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी अगले महीने श्रीलंका का दौरा कर सकते हैं। खाद्य संकट से जूझ रहे श्रीलंका को जल्द से जल्द इमरजेंसी फूड सप्लाई की जाने की तैयारी भारत कर रहा है, साथ ही जरूरी दवाइयां भी भेजी जाएगी। इसके तहत भारत ने श्रीलंका को 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर देने की घोषणा भी की है। इसके अलावा श्रीलंका एक बड़े ऊर्जा संकट से भी जूझ रहा है, इस कारण श्रीलंका के लोग कई घंटों तक अंधेरे में बिता रहे हैं। इस संकट से श्रीलंका को उभारने के लिए भारत पैसे तो दे ही रहा है, वहीं भारत ने हाल ही में श्रीलंका के साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण ट्रिकोमाली ऑयल टैंक फर्म डील साइन की है। इसके तहत भारत श्रीलंका में करीब 100 साल पुराने ट्रिकोमाली ऑयल फर्म को नए सिरे से बनाएगा। इस फर्म में 99 टैंक है और हर टैंक में 12,000 लीटर ऑयल को स्टोर किया जा सकता है। भारत ने श्रीलंका के जिस इलाके में ये समझौता किया है उसे चाइना बे यानी कि चीन की खाड़ी भी कहा जाता है, और इन सब के लिए भारत ने एक बहुत ही सीक्रेट डिप्लोमेट को अपनाया है। किसी भी देश के लिए विदेशी मुद्रा भंडार बहुत जरूरी चीज होती है, लेकिन श्रीलंका इससे जूझ रहा है। इसके लिए भारत उसके फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर्स डाल रहा है, क्योंकि अगर विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाता है तो कोई भी देश दूसरे देश से कुछ भी खरीद नहीं सकता। इसलिए भारत श्रीलंका की मदद कर रहा है, साथ ही इससे श्रीलंका की निर्भरता चीन से भी कम हो रही है। चीन ने श्रीलंका को अपने डेब्ट में फंसाया हुआ है। इसका जिक्र भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी में भी किया और साफ लफ्जों में कहा है कि जो देश चीन से उधार पैसे ले रहे हैं उसका क्या नतीजा निकलता है, ये हमारे पड़ोसी देश देख रहे हैं। चीन की चाल में जहां पाकिस्तान पहले ही फंसा हुआ था, वहीं श्रीलंका भी बर्बादी की स्थिति पर जा पहुंचा है। लेकिन एक बार फिर से उसे इस संकट से उभारने का जिम्मा भारत ने उठाया हुआ है, जिससे चीन परेशान है। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों भारत पिछले 4-5 सालों से सैन्य हथियारों के व्यापार में पूरी तरह से कूद पड़ा है। इसी वजह से रूसी थिंक टैंक का ये मानना है कि भारत एक ऐसी सोच में जा पहुंचा है जहां ये माना जाता है कि अगर हम हथियार खरीदेंगे तो हमारा हथियार बनाने की क्षमताओं का विकास नहीं होगा। इसी वजह से भारत लगातार हथियारों के आयात पर लगातार प्रतिबंध लगा रहा है और उन्हें खुद अपने देश में विकसित करने पर जोर दे रहा है। इसके साथ ही भारत ने कई देशों से कई डील को भी रद्द किया है, इसमें रूस भी शामिल है। रूस के कानगो मॉस्को सेंटर के निदेशक दिमित्री ट्रेनिन का दावा है कि भारत की फ्यूचर वेपन की तैयारियां काफी आक्रामक है और कई सुपर टेक्नोलॉजीज का निर्माण भारत कर रहा है, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलों के अलावा फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड एरियल व्हीकल जैसे मानव रहित ड्रोन टेक्नोलॉजीज भी शामिल है। जैसा कि भारत के यूसीएवी के पिछले साल कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसके तहत रूस का ये मानना है कि भारत इस फील्ड में काफी आगे निकल चुका है। वहीं आने वाले समय में इस क्षेत्र में वेस्टर्न कंट्रीज को भी अगर भारत पछाड़ दे तो उसमें भी आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि यह भारत का कॉन्फिडेंस ही बताता है कि जिस कारण भारत ने विदेशों से ड्रोन की खरीद पर ही पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। भारत के ऐसे स्वदेशी ड्रोन जल्द ही भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे, जो कि दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर भारी तबाही मचा सकते हैं। रूस ने कहा है कि भारत काफी आक्रामक होकर इन फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड एयरक्राफ्टों का निर्माण कर रहा है। देखा जाए तो दोस्तों ऐसा पहली बार दशकों में होता हुआ दिखाई दे रहा है कि दुनिया के बड़े बड़े देशों की नजर भारत पर टिकी हुई है और भारत का डीआरडीओ अभी तक इस पर खरा भी उतरा है। साथ ही स्पेस में भी इसरो का जिस तरह से डंका बजा है उससे कोई भी देश भारत को हल्के में नहीं ले सकता। इन दोनों उत्तम संस्था के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता है, साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को दबा लें, जिससे एक भी डिफेंस से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।